इस वीडियो में इस्लामियात के मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। 61. कुरान पाक के पहले पारे का नाम क्या है? आलम। 62. कुरान पाक के आखिरी पारे का नाम क्या है? आम। 63. कुरान पाक के 17वें पारे का आगाज़ किस सूरत से होता है? सूरतुल अंबिया से। क्वेश्चन नंबर 64. कुरान पाक के 18वें पारे का आगाज़ किस सूरत से होता है? सूरतुल मोमिनून से। क्वेश्चन नंबर 65. पहली मंजिल का आगाज़ सूरत फातिहा पारा नंबर 1 से होता है और इख्तिताम सूरतुल निसा पारा नंबर 6 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 66. पहली मंजिल में कितनी सूरतें हैं? 4 सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 67. दूसरी मंजिल का आगाज़ सूरतुल माहिदा पारा नंबर 6 से होता है और इख्तिताम सूरतुल तौबा पारा नंबर 11 पर होता है। 68. दूसरी मंजिल में कुल कितनी सूरतें हैं? 5 सूरतें हैं। 69. तीसरी मंजिल का आगाज़ सूरतुल यूनस पारा नंबर 11 से होता है और इख्तिताम सूरतुल नाल पारा नंबर 14 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 70. तीसरी मंजिल में कुल कितनी सूरतें हैं? 7 सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 71. चौथी मंजिल का आगाज़ सूरत बिनी इसराहील पारा नंबर 15 से होता है और इख्तिताम सूरतुल फरकान पारा नंबर 19 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 72. चौथी मंजिल में कुल कितनी सूरतें हैं? 9 सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 73. पाँचवीं मंजिल का आगाज़ सूरतुल शोरा पारा नंबर 19 से होता है और इख्तिताम सूरत यासीन पारा नंबर 23 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 74. पाँचवीं मंजिल में कुल कितनी सूरतें हैं? 11 सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 75. छठी मंजिल का आगाज़ सूरतुल साफ पारा नंबर 23 से होता है और इख्तिताम सूरतुल हजरात पारा नंबर 26 पर इख्तिताम होता है। क्वेश्चन नंबर 76. छठी मंजिल में कुल कितनी सूरतें हैं? 13 सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 77. सातवीं मंजिल का आगाज़ सूरत पारा नंबर 26 से होता है और इख्तिताम सूरतुल नास पारा नंबर 30 पर होता है। क्वेश्चन नंबर 78. सातवीं मंजिल में कुल कितनी सूरतें हैं? 65 सूरतें। क्वेश्चन नंबर 79. बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयात किस सूरत में आती है? सूरतुल अनकूत में। क्वेश्चन नंबर 80. सूरत बिनी इसराहील की आयत नंबर 27 में आता है कि बेशक बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 81. ये आप सल्लम ने कब फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं, किसी काले को किसी सुरख पर और किसी सुरख को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा की बिना पर है, हज्जतुल वदा के वक़्त अल्लाह के नबी ने फरमाया। क्वेश्चन नंबर 82. हज़रत अदरीस का क्या पेशा था? दर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 83. हज़रत दाऊद का क्या पेशा था? लोवार थे। हज़रत अदरीस दर्जी थे, हज़रत दाऊद लोवार थे। क्वेश्चन नंबर 84. मक्की सूरतों में किस मौजू पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है? तौहीद पर। क्वेश्चन नंबर 85. सलसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरतुल इखलास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86. अरूसुल कुरान और जीनतुल कुरान किस सूरत को कहते हैं? सूरतुल रहमान को कहते हैं। इस वीडियो में हमने इस्लामियात के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबाएँ ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।